त्योहारों के आदर्श मोगा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पतीसा बनाने वाली रेसिपी पर छापा मारा। यहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 13 स्वादिष्ट मसाला केक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज किया। जोधपुर राजस्थान से 540 किलो, अबोहर से 852 किलो केक लाया गया था। साथ ही 255 किलो खोया बर्फी, जो कि कुल 1647 किलो को विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया। मद्देनजर मोगा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक पतीसा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 13 क्विंटल मिल्क केक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज किया। राजपुरी तो हूँ मैं, प्रॉपर जोधपुर से हूँ और मेरा ये पतीसे का काम है। 17-18 साल से मोगे में मेरे छोटे भाई ने लगाया था और छोटे भाई की कोरोना के बाद अटैक से डेथ हो गई थी। उसके बाद 2-3 साल ये काम मेरे को संभालना पड़ रहा है और पहले मैं काम साथ में संभालता था। नॉलेज है मेरे को पतीसे का और मेरे पास पतीसे में 10-12 लड़के काम करते हैं। तो पतीसा 100% मेरे को लगता है कि मेरे जैसा पतीसा बनाते होंगे और मैं बढ़िया बना रहा हूँ। प्लस मेरी मिठाई की फैक्ट्री होते हुए आप मोहल्लेवासी से पूछ सकते हो, मेरे नज़दीक पत्रकार भाई से बात कर सकते हो। मैं पूरी मेरी सफाई रखता हूँ और अधिकारी कहेंगे वैसे मैं काम करूँगा। अधिकारियों के खिलाफ मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसे करूँ ऐसे करूँ, नहीं करूँगा। करेंगे सर, इन्हों का गवर्नमेंट का रूल्स है, नियम है, करेंगे, ये वापिस बताएंगे, वैसे काम करूँगा मैं। साहब को मैंने आज सवेरे से लेकर पूछ लो, मैंने कोई वर्ड नहीं बोला। साहब आप अपनी कार्रवाई करो, जो चीज़ गलत है उसको अपन बाहर फेंकेंगे, सही है तो बाजार में सेल करेंगे। हम हमारी सोच से सही बना रहे हैं।